हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेडमी के 30S स्मार्टफोन के बारे में। ये स्मार्टफोन ऑफिशियली इंडियन मार्केट में 27 अक्टूबर को लॉन्च होने वाला है। सो गाइस, इसी के साथ इसकी सभी स्पेसिफिकेशंस भी कंफर्म हो चुकी है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसकी कंफर्म स्पेसिफिकेशंस को लेकर और किस प्राइस सेगमेंट में आपको इंडियन मार्केट में देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही लेटेस्ट टेक वीडियोस के लिए। सबसे पहले बात करें इसकी डिस्प्ले को लेकर, तो यहाँ पर आपको 6.6 इंचेस की फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ एक आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। अच्छी बात ये होने वाली है कि यहाँ पर आपको 144 हर्ट्ज का हाइयर रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। लेकिन गाइज, अगर इसमें आपको एमोलेड डिस्प्ले प्रोवाइड कराई जाती तो वो आपके लिए और भी अच्छा रहने वाला था। और गाइज, अगर हम बात करें इसके डिज़ाइन को लेकर, तो इसका डिज़ाइन आपको काफ़ी सेम देखने को मिलता है मी 10T के जैसा ही। अभी कुछ ही समय पहले जो मी 10T लॉन्च हुआ था ग्लोबल मार्केट में, तो गाइस उसी के जैसा आपको इसका डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट इसमें आपको देखने को मिल जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पर आपको आईपीएस एलसीडी दी गई है। और गाइस, बात करें इसकी परफॉर्मेंस को लेकर, तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन 865 का ऑक्टाकोर चिपसेट देखने को मिल जाता है, जो कि इनबिल्ट 5G के साथ आने वाला है। परफॉर्मेंस वाइज यहाँ पर आपको नो डाउट कोई भी प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी बेटर परफॉर्मेंस के साथ ये प्रोसेसर दिया गया है। और गाइज, यहीं पर बात करें इसके रैम वेरिएंट को लेकर, तो 8GB एंड 12GB के हाइयर रैम वेरिएंट देखने को मिल जाएंगे, जिसके साथ 256GB की स्टोरेज कैपेसिटी भी आने वाली है। तो गाइज, बात करें इसके कैमरा सेटअप को लेकर, तो ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा इस स्मार्टफोन में, जो कि आपको मी 10T के जैसा ही देखने को मिलता है स्क्वायरी बॉक्सी कटआउट के अंदर। प्राइमरी सेंसर होने वाला है 64 मेगापिक्सल का, जिसके साथ 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। और बात करें फ्रंट सेल्फी कैमरा की, तो फ्रंट सेल्फी कैमरा आपको देखने को मिलेगा 20 मेगापिक्सल का, वो भी पंच होल कटआउट के साथ। बात करें इसकी बैटरी कैपेसिटी को लेकर, तो इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी कैपेसिटी मिलने वाली है, जो कि 33 वॉट के फास्ट चार्जर सपोर्ट के साथ आने वाली है। तो गाइज, ये स्मार्टफोन काफ़ी बेटर फीचर्स के साथ आने वाला है और इसमें आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। और गाइज, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, ये स्मार्टफोन आपको 27 अक्टूबर को देखने को मिल जाएगा ग्लोबल मार्केट में। और गाइज, इसकी जो प्राइसिंग रहने वाली है वो आपको अप्रॉक्सीमेट देखने को मिलेगी 30,000 से लेकर 35,000 के अराउंड। और गाइज, आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि ये स्मार्टफोन किस प्राइस सेगमेंट में आ सकता है। और इसी के साथ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह की किसी भी स्मार्टफोन और टेक्निकल अपडेट से जुड़ी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।